हरियाणा में लोकसभा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी और राज्य में बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाएगी। यह दावा डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने आज विशेष बातचीत में किया। उन्होंने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से कश्मीर में विकास होगा और आतंकवाद खत्म होगा, वहां शांति स्थापित हो रही है और जनता खुशहाली की तरफ बढ़ रही है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए, परंतु न्यायालय ने सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव के परिणाम ने बता दिया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूती से बनेगी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर हमने तो शुरू से ही कहा था और ये विचार था भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही कि जब भी बहुमत आएगा हम धारा 370 समाप्त करके अखंड भारत बनाने का काम करेंगे और वो करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया है निश्चित रूप से, क्योंकि जो धारा 370 की वजह से वहाँ के अलग कायदे कानून थे, अलग विधान था, अलग संविधान था, उसको समाप्त करने का काम किया है और एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे कश्मीर के डेवलपमेंट भी होगी, वहाँ का आतंकवाद भी समाप्त होगा। जब से धारा 370 हटाई है तब से वहाँ की इन घटनाओं के अंदर भारी मात्रा में कमी आई है और आज कश्मीर के अंदर जो पर्यटक है वो और ज्यादा मात्रा के अंदर आ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के अंदर कश्मीर भी जो है वो और जो बाकी राज्यों की तरह और डेवलपमेंट वहां पर जो है होगी। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं कहूंगा और इस देश का दुर्भाग्य मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और इन्होंने इसको विरोध करने का काम किया, बल्कि वकील खड़े करने का काम भी इन लोगों ने किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया था उसमें मोहर लगाने का काम किया है। गंगवा जी, अभी जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं उनको लेकर बीजेपी उत्साहित है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आपकी जो सहयोगी दल है उन्होंने भी कहा कि हरियाणा पर कोई असर। देखिये, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है और विशेष रूप से जहां कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि हम राजस्थान में भी टक्कर में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो है ही हमारा, वो ये जो देश की जनता का मूड बताने का काम जनता ने किया है कि आज पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे